नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो सर्किल हैं, दोनों के रेडियस दिए हुए हैं, आपको इन दोनों सर्किल की एरिया का सम करना है। इस एरिया का जो सम हो, दोनों सर्किल के एरिया का जो सम होगा वह थर्ड सर्किल का एरिया होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि थर्ड सर्किल का रेडियस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सर्क्यूफियरेंस के इक्वल था यहाँ पर एरिया के, और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसी फार्मूला को यूज़ करना है और इससे आपको इसको इक्वल रख करके इसको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास आर वन गिवेन है 8 सेंटीमीटर। आप यहां पर लिख दें एरिया ऑफ सर्कल वन, सर्कल वन क्या कह जाएगा फॉर्मूला पाई आर वन स्क्वायर, राइट। आर टू गिवेन है 6 सेंटीमीटर, आप यहां पर कर दें एरिया ऑफ सर्कल टू, कितना जाएगा पाई आर टू स्क्वायर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर थ्री स्क्वायर, पाई आर थ्री स्क्वायर इस थर्ड सर्किल के यहां पर हो गया। अब देखिए पाई कॉमन निकाल देते हैं, आर वन में क्या आएगा 8 होल स्क्वायर एंड प्लस आर टू के लिए 6 होल स्क्वायर, ये हो गया कॉमन में। यहां पर क्या हो गया पाई आर थ्री स्क्वायर, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64, 36 इज इक्वल टू आर थ्री स्क्वायर, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा आर थ्री स्क्वायर। क्या करिएगा आर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन आर थ्री इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर थ्री कितना हो गया, जो थर्ड सर्किल है जो हमारा इन दोनों एरिया के सम के इक्वल थर्ड सर्किल का एरिया होगा उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग।